हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2, इनसाइड आर अर्थ के एजर्शन रीजन क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो शुरू करते हैं हमारे वीडियो। सबसे पहले डायरेक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। जो ऑप्शंस हमें एजर्शन रीजन क्वेश्चन आंसर्स में गिवन होती हैं, वो ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Here A stands for assertion and R stands for reason. Next option जो होता है both A and R are true but R is not correct explanation of A. Next is A is true but R is false and next is A is false but R is true and last is both A and R are false. ये 5 options given होते हैं। इसमें से जो right option होता है वो आप करना होता है according to the statements. आगे चलने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी वीडियोस क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट में ग्रुप की गई हैं और सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। तो हमारा पहला एजर्शन है द इनर कोर इज सॉलिड, कि इनर कोर जो होती है वो सॉलिड होती है। रीजन प्रोवाइडेड इज द प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग लेयर्स कीप इट सॉलिड, की ओवरलाइंग लेयर्स जो है कोर के ऊपर जो लेयर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स जो हैं, उनके प्रेशर की वजह से वो सॉलिड होती हैं। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक लग रही है। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि कोर तो इनर मोस्ट लेयर है ना, उसके ऊपर बहुत सारी लेयर होती हैं, क्रस्ट है, मेंटल है, फिर कोर आती है, और उनकी भी इनर कोर, आउटर कोर, इस तरह से डिफरेंट 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 लेयर्स होती हैं। तो उनका जो प्रेशर होता है उसकी वजह से जो इनर कोर हो जाती है वो सॉलिड हो जाती है। नेक्स्ट एजर्शन इज इग्नियस रॉक्स आर आल्सो रेफर टू एज प्राइमरी रॉक्स, की इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। रीजन प्रोवाइडेड इज These rocks are formed by solidification of lava and magma. की जो इग्नियस रॉक्स है वो लावा और मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बनती है। स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है assertion को? आई डोंट थिंक सो। लेट सी द आंसर। आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। स्टेटमेंट तो दोनों ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो assertion को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि इग्नियस रॉक्स लावा और मैग्मा से ही बनती हैं, लेकिन उनको प्राइमरी रॉक्स इसलिए नहीं कहा जाता कि वो लावा और मैग्मा से बनती हैं। क्यों? क्योंकि जो इनको प्राइमरी रॉक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट रॉक्स हैं दैट आर मेड, फर्स्ट रॉक्स हैं। बाकी जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, वो इनके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आते हैं उनकी उनसे बनती हैं। तो फर्स्ट रॉक्स कौन सी? इग्नियस रॉक। सबसे पहले इग्नियस रॉक बनती है, इसलिए इसको प्राइमरी रॉक कहा जाता है। और सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक में चेंजेस आने की वजह से बनते हैं। ठीक है। रीजन प्रोवाइडेड इज इग्नियस रॉक्स वर द फर्स्ट टू बी फॉर्म सो they are called as primary rocks. Next assertion is metamorphic rocks are usually crystalline in structure, कि metamorphic rocks जो हैं वो crystalline होती हैं structure में and perhaps the hardest of all the rocks, और सभी rocks से सबसे ज्यादा hard होती है। रीजन प्रोवाइडेड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स मेक गुड बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, की मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो अच्छी बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोवाइड कराती हैं। स्टेटमेंट तो ठीक लग रही है, लेकिन क्या रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? लेट्स सी द आंसर। आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेन नहीं कर रहा है जो रीजन है एजर्शन को, लेकिन स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, इनसे जो मटेरियल मिलता है वो बिल्डिंग मटेरियल के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि सॉलिड होता है ना, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी ग्रिप होती है। तो रीजन जो है वो क्या है? एक्चुअली मेटामॉर्फिक रॉक्स आर द हार्डेस्ट बिकॉज
इट फॉर्म्ड आफ्टर हीटिंग, मेल्टिंग, इरोजन, डिपोजिशन, केमिकल एक्शन एंड प्रेशर. ये सबसे ज्यादा हार्ड क्यों हो जाती है? क्योंकि एक तो ये सबसे लास्ट में बनती है, इग्नियस रॉक के बाद में सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है, और उसके बाद जो केमिकल चेंजेस आते हैं तब जाके मेटामॉर्फिक रॉक बनती है. तो प्रेशर भी पड़ गया होता है, हीट भी इसने एब्जॉर्ब की होती है, मेल्टिंग का प्रोसेस से भी ये पास हुई होती है रॉक, इरोजन डिपोजिशन, हवा के साथ पानी के साथ जो इरोजन होना होता है वो हो चुका होता है, जो सेट होना होता है इसके ऊपर वो सेट हो चुका होता है, केमिकल एक्शन और प्रेशर इसके ऊपर काफी अच्छे से ये बियर कर चुकी होती है, उसके बाद ये कन्वर्ट होती है मेटामॉर्फिक रॉक में. तो ये सब कुछ जो प्रोसेस होते हैं उनसे पास होकर हो चुकी होती है, तब जाके सेडिमेंट्री रॉक से ये मेटामॉर्फिक रॉक बनती है. तो इसलिए ये सबसे ज्यादा हार्ड हो जाती है. क्लियर, दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा. अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियोज के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहे. फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय.